वो तो लोग का देखिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली जो था यह प्रोटेक्ट चल रहा है। टुली गांव का सिक्योरिटी मर्डर किया गया है। यह पंचो वो जो लोहित डिस्ट्रिक्ट का ऐसे सब इंस्पेक्टर SIC का कॉल आउट करके इन लोगों ने शायद मर्डर किया है। यहाँ प्रोटेक्ट चल रहा है उसका डेड बॉडी को यहाँ गाड़ेगा उसको वो दफना रहा है। यह डेड बॉडी को ट्रिम्स में रखा है या उसका समाधि को चुराई चल रहा है। ये है प्रोटेस्ट चल रहा है दलों समुदाय लोग और कर्म कर रहे हैं सोसाइटी का। ये अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस सेक्रेटरी है, सिविल सेक्रेटरी है। SP साहब निकल गया, आता है जाता है। इन लोगों का बहुत टेंशन में हो गया। यहाँ में खुदाई चल रहा है दफनाने का, टुम्बी गंगा को दफनाने के लिए यहाँ में खुदाई चल रहा है। और SP साहब लोग आए और सारा दुनिया उनको बड़े ठाठ में CRPF को मंगाया गया है। सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। ये इंस्पेक्टर दोनों जो टेलीफोन को बुलाने वाला को अरेस्ट करने से तब खुश होगा। तो ये है मांग क्या जितना गलो समुदाय है इन जनरल एंड कर्वूरकड्डी वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर लोग इन पर्टिकुलर ये प्रोटेस्ट रैली चल रहा है। डेड बॉडी नाहरलगुन में पोस्टमार्टम करके रखा गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन इंस्टॉल सब प्रोटेक्ट चल रहा है। इस सब निकला अंदर पैर चला गया। ऑफिशियल पोल अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसी का अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लेफ्ट टुम्बी गंगा को मर्डर किया गया है, इसलिए अभी पोस्टमार्टम से प्रूफ हो गया। तो इसलिए जो SIC का इंस्पेक्टर जो ये क्या था उनको टेलीफोन कॉल करके बाहर निकाला था, इसी को टारगेट है, उनको अरेस्ट करना है। अभी कैपिटल SP जिमी श्रम आ गया दफनाने के लिए। ये टुम्बी गांव का कोई मारने के लिए दफना रहा है, पढ़ाई चल रहा है। SIP ऑफिस का और ऑफिशियस ऑफिस का बाहर में SP सब आ गया।
एसपी इंटरव्यू लेना है। गुरु है श्री जय हिंदू असेंबली ऑफिस नियर अपोजिट मैं उरू कोन्ना एकदम योग जाते हैं पुलिस सेपरेटी रहती तो पूरा रहती है ये लेटली गंगा को आज पोस्ट बटन का रिपोर्ट के मुताबिक उसको क्योंकि मर्डर किया गया है। हाथ दोनों का बेंच को कट के पाँव को कट के इन लोगों ने कल बुलापुर के एक प्रॉन्ग सब इंस्पेक्टर है ये इंस्पेक्टर प्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम स्टेट इन्वेस्टिगेशन सेल SIC CBI का नाम है बुलापुर के 3 बजे को कॉल करके और 4 बजे का बाद निकल गया। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। तो इसलिए आज पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में हम लोगों का ये घलो की तरफ से और कर्गो का डेवलपर सोसाइटी की तरफ से टोली गंगा का परिवार का तरफ से ये डॉक्टर गोटो गंगा को कार्डियोलॉजिस्ट इसको साथ देने दिया। तो उसी से रिपोर्ट अभी पता चला है प्योरली मर्डर है। इसलिए ये नाराज़ हो गए। यह जितना भी गलो सबूत है और कर्गो का डेवलपर सोसाइटी का जितना भी गमलिंग गंगा फैमिली से लेकर टोली गंगा का नियर एंड डियर रिलेटिव एंड वेल विशेष और एंटर गलो यहाँ अभी इकट्ठा हुआ है और यहाँ उसको दफनाने के लिए ये गड्ढा खुदाई कर रहा है। यह अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस का टॉप फ्लोर से हम बोल रहे हैं। यह पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो असेंबली बिल्डिंग का फॉर्म में यह प्रोसेस चल रहा है। यह महिला और लड़का लड़की जवान बुजुर्ग सब यहाँ मीडिया के साथ में यहाँ अभी चल रहा है। इसी को दफनाने के लिए तुम्हें गंगा को गौर में ले नहीं ले जाएगा उसका डेड बॉडी को यहाँ दफनाएगा। तो जब ये दोनों क्रॉन्ग और एक मेसर दो सर्विस इंस्पेक्टर हैं इन लोगों ने बहुत चर्चा किया क्योंकि लेट तुम्हें गंगा बहुत इनोसेंट था। वो ना कोई किसी से ब्रेब लेना वो तो जानता नहीं था। वो तो नो डाउट वो असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन जरूर था लेकिन वो जानता था कौन सा आदमी इन्वॉल्व हो गया पैसा देने वाला। वो तो 1 रुपये भी नहीं दिया। उसका बैंक अकाउंट भी 17,000 को भी उसको सस्पेंशन में रखने के बाद से एंटायर टीम ऑफ पब्लिक सस्पेंशन में रखने के बाद में उसका पैसा विड्रॉ नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल में जी रहा था और वो जिस गवर्नमेंट क्वार्टर के सेक्टर में बैठा है वो भी टूटा फूटा है। उसको भी मरम्मती करने का उसका पैसा नहीं है। ना गौर में गंगा के एरिया में यमशा में कोई एस्टेब्लिशमेंट बनाया अपना गौर बनाया कच्चा गौर में बैठा है सीधा शादी वाला अंडर सेक्रेटरी को। तो उसको एग्जाम असिस्टेंट कंट्रोलर था बोल के लोग डाउट करके तो एकदम थर्चर किया। शान बिन जरूर से ज़्यादा टाइम लेकिन पूछताछ किया बोला। जब CBI ने टेकअप किया तो SIC का पूछने का क्या जरूरी था। तो इसलिए ये का साजिश ये लगता है वो खुलासा करेगा बोलते हैं कौन कौन पैसा असली लिया इसमें कौन इन्वॉल्व है खुलासा करेगा बोलते उसको प्लान वे में उसको मर्डर करके लटका के जो रूड में गंगाले का बीचों बीच में उसका अपने घड़ी में ले जाके उसको टेलीफोन करके ये करोंग वाला लोहित डिस्ट्रिक्ट का एक इंस्पेक्टर है SIC का इनने वो बुला करके उसको ले गया रात को मर्डर किया। कल ही का दिन में उनका परिवार ढूंढते ढूंढते उधर लटकाया हुआ मिला। तो इसलिए यह खुद अपना सेल्फ सुसाइड नहीं है यानी वो मर्डर है क्योंकि आज का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। उसको ठीक से उसका बेंच को दोनों हाथ का बेंच पाँव का कट के गला को यह करके स्ट्रेंगुलेट करके लटका गया है। इन लोगों का ग्रुप था कहीं तक कौन कौन इन्वॉल्व था उसी को पता करने के लिए ये दोनों मेसर और मेसर इंस्पेक्टर और क्रॉन्ग इंस्पेक्टर को अरेस्ट करना है। इन लोगों को सस्पेंशन में रखना है तब जाकर यह प्रोटेस्टर लोग कुछ होगा। तो इसके सरकार सुनिए तो उसमें सुनना है और लेजिस्लेटर को सुनिए और कितना आदमी को अभी का 45 ईयर्स वाला यंग अफसर को मर्डर करके लटका के रख दिया है। इसलिए यहाँ प्रोटेस्टर ही चल रहे हैं गलोड़।